तो जे एडवांस 2017 का क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, टॉपिक वही सॉलिड स्टेट। ठीक है, क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑफ प्योर सब्सटेंस हैज ए एफसीसी स्ट्रक्चर विद सेल एज लेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑफ क्रिस्टल इज 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द डेंसिटी इज गिवन। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 256 ग्राम ऑफ क्रिस्टल इज n इंटू 10^24। फाइंड वैल्यू ऑफ n, n निकालना है, आंसर है n इज इक्वल टू 2। अब देखिए यहीं से इन चीजों का एनालाइज करते हैं। एफसीसी के लिए जेड जो है वो होगा 400 पिकोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 4 × 10^-8 सेंटीमीटर, और डेंसिटी हमें दी हुई है, ठीक है, और सैंपल दिया हुआ है 256 ग्राम। इधर आ जाते हैं हम। सबसे पहली चीज, एफसीसी अरेंजमेंट में क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स प्लस एट ईच फेस सेंटर। इसका मतलब इफेक्टिव एटम्स इन वन यूनिट सेल कितना आएगा, 8 कॉर्नर्स कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच कॉर्नर 1/8, 6 फेसेस कंट्रीब्यूशन 1/2। इफेक्टिवली जो एटम्स आएंगे इन वन यूनिट सेल वो आएगा Z4। जो फार्मूला ये है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला इस चैप्टर का, डेंसिटी इज इक्वल टू Zm अपॉन NaV। Na एवोगाड्रोस नंबर, Z इफेक्टिव एटम्स, m मोलर मास ऑफ कंपाउंड, V वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड। वॉल्यूम होता है ए क्यूब, वेयर ए इज एज लेंथ। अब देखिए डेंसिटी मैंने क्वेश्चन में लिखा 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हमारे पास लिमिटेशन ये है कि जो एज लेंथ होगी वो भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहला काम ये करता हूं कि ए मुझे दिया हुआ है 400 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10^-12 मीटर, ये हो गया 4 × 10^-10 मीटर, ये हो गया 4 × 10^-8 सेंटीमीटर। तो ए की ये वैल्यू मैं यहां पे रखता हूं और इसका होगा क्यूब। ठीक, जेड मैंने निकाल लिया है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इस फॉर्मूले में रख रहा हूं, एम अननोन है, एन ए एवोगाड्रोस नंबर 6 × 10^23। सही यूनिट रखते हुए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो मोलर मास जो आएगा वो आएगा 76.8 ग्राम पर मोल। अब मोलर मास आने के बाद सैंपल हमें दिया हुआ है 256 ग्राम। ठीक है, इतने ग्राम में कितने मोल होंगे, तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका मास ऑफ द सैंपल अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो मास हमें दिया हुआ सैंपल का 256 ग्राम, मोलर मास हमने निकाल लिया 76.8, ये आता है 3.3833 मोल। अब मोल्स पता लग गए 3.33, तो एटम्स कितने होंगे, एक मोल में एटम्स होते हैं एन ए एवोगाड्रोस नंबर, तो इसमें एटम्स होंगे 3.33 मल्टीप्लाइड बाई एन ए। एन ए की वैल्यू रखी मैंने 6 × 10^23, सॉल्व करने पर 2 × 10^24, और क्वेश्चन बोल रहा था कि एटम्स आर एन इंटू 10^24, सो हाउ मेनी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, कंपेयर करें इसको अपन, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम।